जिस तरह से मैदान में उतरी हैं, किन मुद्दों को लेके आपने सोचा कि लोगों के बीच जाना है? मेरी महिलाओं के लिए दो लड़ाइयाँ हैं। पहली लड़ाई ये है कि महिलाएं, हमारा जो बाज़ार है वह सुभाष वार्ड के अंदर आता है और एक भी महिला शौचालय नहीं है, और यहाँ पे मनिहारी की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं और पुरुष तो कहीं भी कर सकते हैं मगर महिलाओं के लिए बहुत एक इशू बन जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि गांवों ग्राम से हमारी महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं और उनके लिए एक ऐसा रूम की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ वो बच्चों को फीड करा सकें। और दूसरा, मैं एज अ कैंडिडेट ये बात बोलना चाहती हूँ कि लोग महिलाओं को एज अ टोकन यूज़ करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि महिला स्वयं अपना कार्यभार जिस पद पे भी वो संभाल सकती हैं, उनको पार्षद पति या पार्षद पुत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला की भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। और जैसे कि नागरिक जन 6 तारीख को वोट करने जा रहे हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि आप अपने जनप्रतिनिधि में 3 क्वालिटी ज़रूर देखें और उस हिसाब से आप वोट कीजिए। पहला कि वो कैंडिडेट आपके वार्ड का निवासी होना चाहिए, और दूसरी बात वो युवा होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप मैदान में उतरी हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, आपने अभी कहा कि एज अ टोकन कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि पिछले जो कैंडिडेट रहे हैं ये सारे, वो इतने सालों से यहाँ पे पार्षद रहे हैं तो, और यहाँ पे गढ़ है, तो उसमें आपको दिक्कत जाएगी कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं डोर टू डोर जा रही हूँ और महिलाओं से जैसी मैं मुलाकात कर रही हूँ, और मैं उनके मुद्दे भी, मैं उनसे, मेरा वादा है कि मैं उनके मुद्दे उठाऊंगी जो उनको दिक्कतें हो रही है, तो महिलाओं का जो पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिल रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है। मतलब आपको लगता है कि वो, मतलब किसी के गढ़ में लड़ने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी? अच्छा, एक चीज़ कि सिवनी नगर पालिका में पार्षद की भूमिका अध्यक्ष के चुनने में बड़ी अहम रहेगी, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ रही हैं कि सिर्फ पार्षद को ध्यान में रखते हुए? मैं तो अपने वार्ड को ध्यान में रख के चुनाव लड़ रही हूँ कि मुझे अपने वार्ड का विकास करना है, और अगर मौका मिला तो मैं पूरे शहर का विकास करूँगी। जैसा आपने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव वार्ड के सारे पार्षद मिलके करने वाले हैं, तो बस मेरी ये गारंटी है कि मैं, जैसे कि लोगों में हवा है ये कि लेन देन होगा कुछ, तो मेरी तो यहीं सड़क पर मैं गारंटी देती हूँ कि बिना लेन देन के अध्यक्ष का चुनाव करूँगी, और दूसरा जो पार्षद के काम होना चाहिए वो पार्षद के काम वो करूँगी। क्या कहा आपने अभी फिर से उसे दोहराइए? जैसे कि बाहर हवाएं चल रही हैं कि जो भी अध्यक्ष का चुनाव करेगा वो कुछ लेन देन हो सकता है, तो मैं यहाँ सड़क में अपने बारे में गारंटी देना चाहती हूँ कि मैं बिना लेन देन के अध्यक्ष का चुनाव करूँगी, और मेरा भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं बिल्कुल नहीं। तो दूसरी बात और बोलना चाहती हूँ मैं कि पार्षद अंदर बन जाता है कोई भी इंसान, मगर उसका क्या होता है, रिश्तेदार या फिर उसका पति या उसके पिताजी वहाँ फिर ठेकेदारी का काम करते हैं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ और, क्योंकि आपके जो पति हैं वो भी एक पॉलिटिशियन है, शहर में काफ़ी फेमस नाम है उनका समाज सेवा में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बनने के बाद आपके पद में उनका इंटरफेयर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा इंटरफेयर। वो एक ऐसे, मैं जैसा कि उनको जानती हूँ मतलब पर्सनली, कि मतलब वो खुद इसलिए मुझे मिला रहे हैं लोगों से, लोग तो कैंडिडेट को मिला भी नहीं रहे, मतलब सिर्फ उनके पति या उनके मतलब पुत्र मुलाकात कर रहे हैं काफ़ी जगह, मगर वो मुझे मिला रहे हैं लोगों से कि लोग मुझे जाने और एज अ कैंडिडेट मुझे चूज़ करें, और मतलब मैं जिन मुद्दों पे, मतलब उनको वो देख रहे हैं कि भाई ये मेरा विकास कर सकती है, तो फिर भाई वो ये देख के मुझे चूज़ करें, मतलब ना कि मेरे पति को देख के, और मुझे किसी मतलब का, आपका कहना है कि लोग आपको एज अ कैंडिडेट चूज़ करें ना कि पति को देख के? बिल्कुल। ये थे हमारे साथ प्रियंका नवेंदु मिश्रा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और नागरिक मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनके पति भी आपने देखा होगा, नवेंदु मिश्रा, जो कि नागरिक मोर्चा में, आपने अब देखते हैं जनता क्या फैसला सुनाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में इन्होंने जो कहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHIND.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।